हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देव MTR में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महिंद्रा स्कॉर्पियो की कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां। तो दोस्तों, मेरे पीछे खड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो S5 मॉडल। तो चलिए, आज इसकी कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करें हम महिंद्रा स्कॉर्पियो की अच्छाई की, तो इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि एक बहुत ही मजबूत SUV है। इंडियन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये गाड़ी बॉडी एंड फ्रेम प्लेटफॉर्म बेस्ड है। अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो तो आपको इसमें टफ वाली फीलिंग जरूर नज़र आती है दोस्तों। तो बात करें अब इसकी एक और अच्छाई की, तो इसकी एक अच्छाई ये है इसके ब्लैक कलर की खासियत। अगर दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो आपको ब्लैक कलर की अगर आपको रोड पर चलती हुई नज़र आ जाती है और वो आपके पास से होकर गुजरती है, तो बंदा एक बार इसको पलट कर जरूर देखता है। तो ये है इसकी ब्लैक कलर की खासियत। बात करूं मैं इस गाड़ी की बुराई की, तो इस गाड़ी में आपको जो है ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप लो मॉडल लेते हो, बेस मॉडल लेते हो, तो उसमें आपको जो है 5-speed गियर ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है गियर के लिए। अगर आप अपर मॉडल लेते हो, टॉप मॉडल लेते हो, तो उसमें आपको जो है 6 गियर के साथ 6 गियर ट्रांसमिशन गियर का ऑप्शन मिलता है। तो ये इसकी जो है बहुत बड़ी खामी है। बात करता हूं दोस्तों इस गाड़ी की एक और बुराई की, तो इस गाड़ी में एक बुराई दोस्तों ये है कि अगर आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर देते हो, इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रखा है और जो है गियर का जो लीवर होता है दोस्तों वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में 14 से 15 लाख रुपये अगर आप खर्च करते हो, तो ये चीज़ आपको महिंद्रा वालों ने थोड़ी सी अपडेट ज़रूर करनी चाहिए। तो ये इसकी बहुत बड़ी खामी है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है गाड़ी का जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे हाथ देख सकते हो, मेरा जो हाथ है वो वाइब्रेट कर रहा है, कांप रहा है। तो इसके सस्पेंशन को लेकर, इसके जो सस्पेंशन है चारों जो है आपको ड्राइव करते वक्त थोड़ा सा जंपिंग और थोड़ा सा बाउंसिंग टाइप आपको फील कराते हैं। फ्रंट वाले जो सस्पेंशन है दोस्तों वो तो थोड़े से ठीक हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत महसूस ही होगा, लेकिन अगर आप रियर वाली पिछली वाली सीट पर कोई भी बंदा बैठता है तो पिछले वाले जो दोस्तों सस्पेंशन होते हैं वो आपको काफ़ी बाउंसिंग और जंपिंग टाइप आपको फील कराते हैं इस गाड़ी में। तो दोस्तों इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसमें आपको मीडियम मिल जाती है, मतलब कि काम चलाने के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप साउंड सुन सकते हो, गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी ठीक है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के जो है डोर को अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे आप साउंड सुन सकते हो, साउंड काफ़ी इसका थोड़ा सा हैवी होता है, मतलब कि मीडियम होता है। जैसा कि आप पीछे वाला अगर जो गेट होता है वो थोड़ा सा मुझे हल्का नज़र आता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये जो है पीछे वाले गेट की जो है चादर जो है मुझे हल्की नज़र आती है इसके हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ अंगूठा अगर मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ दब जाता है। तो दोस्तों इस गाड़ी के पार्किंग कैमरे की, तो पार्किंग कैमरा इस जगह पर सक्सेस नहीं है। अगर आप के पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, अगर आप पार्किंग कैमरा यहाँ पर लगवाते हो तो इस जगह पर सक्सेस नहीं होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस जगह पर जो फुटरेस्ट होता है यहाँ पर प्लास्टिक वाला, इस जगह पर कैमरे को लगवाओ, क्योंकि महिंद्रा वालों ने यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑप्शन नहीं दे रखा है। इसका जो डायरेक्शन होता है जैसा कि आप देख सकते हो 45 एंगल पर जाता है, जिसकी वजह से पीछे वाली जो चीज़ें होती हैं हमको साफ नज़र नहीं आ पाती हैं। दोस्तों बात करूं इस गाड़ी के डैशबोर्ड को लेकर, इस डैशबोर्ड में आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आ जाती है, वो ये है, मैं दिखा देता हूं। जैसे कि आप इस डिग्गी को खोलोगे, जिस डिग्गी में सामान रखा हुआ होता है, इस डिग्गी को खोलते ही आपका जो सारा सामान है यहां पर गिर जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। इस डिग्गी में आपको कोई खासा इंतज़ाम जो है नज़र नहीं आता है सपोर्ट के लिए। इस गाड़ी के डैशबोर्ड को लेकर, इस डैशबोर्ड में आपको जो है कोई खास बदलाव नज़र नहीं आता है महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हो ओल्ड टाइप का वही डैशबोर्ड आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको जो है RPM मीटर और किलोमीटर का जो मीटर है वो आपको ओल्ड टाइप का नज़र आता है। इसके साथ ही AC के जो क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं वो भी आपको बटन वाले नज़र आते हैं, ओल्ड टाइप वाले। बात करूँ दोस्तों इस गाड़ी के एक और नेगेटिव पॉइंट की, तो वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको जो है ड्राइवर सीट के ऊपर जो है सनग्लास रखने का और लाइट का जो है ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो लाइट जो है बीच में दे रखी है और एक लास्ट वाली सीट पर दे रखी है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है मुझे इस मॉडल में। करूँ दोस्तों इस गाड़ी की एक और अच्छाई की, तो वो अच्छाई दोस्तों ये है कि इस गाड़ी जो है अगर आप चला रहे हो और रेड लाइट पर रुक जाते हो, रुकने के बावजूद अगर गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है, तो इंजन स्टार्ट होने के बाद अगर गाड़ी के पैडल पैसे, क्लिच वाले पैडल पैसे अगर आप पाँव को हटा देते हो तो गाड़ी का जो इंजन जो है वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप फिर दोबारा गाड़ी के
पैडल पर, क्लच वाले पैडल पर अगर आप पैर रख देते हो तो गाड़ी का जो इंजन स्टार्ट हो जाता है। बात करूँ इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग की या ऑन रोड की, तो ये गाड़ी जो है हाईवे पर अगर आप चलाते हो, ये गाड़ी जो है आपको रोड पकड़ कर चलती है। अगर आप इस गाड़ी को ऑफ रोड चलाते हो किसी ऊंचे नीचे रास्ते पर या खड्डे, जैसे कि आप ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, खड्डे होते हैं या बैरिकेडिंग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, उस रास्ते पर भी ये गाड़ी आराम से चढ़ सकती है। ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बहुत ही बेहतर साबित होती है, इसलिए जो है गाँव के और जो देसी लोग जो होते हैं वो इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है। करूँ दोस्तों इस गाड़ी के इंजन की, तो इसमें आपको जो है 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है 120 हॉर्स पावर के साथ, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन माइलेज प्रोवाइड करता है और पावरफुल पिकअप के साथ। बात करें दोस्तों इस गाड़ी के माइलेज की, तो ये गाड़ी जो है आपको तकरीबन लोकल में अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो तो 10 से 12 का माइलेज देती है। अगर आप इस गाड़ी को जो है हाईवे पर चलाते हो नॉन स्टॉप 80 की स्पीड पर, तो ये गाड़ी आपको जो है 14 से 15 का माइलेज आराम से निकाल कर दे देती है। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको बाकी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। कुछ पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हो, जिसका मैं आंसर आपको कर दूंगा। अगर दोस्तों आपके मन में कोई सुझाव है इस गाड़ी से लेकर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।